मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में खेत पर फसल की रखवाली कर रहे किसानों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या। इसके साथ ही पास के खेत पर सो रहे एक अन्य किसान की हत्या करने का किया गया प्रयास। गांव के ही एक युवक पर लगाया हत्या करने का आरोप। रात करीब 2 से 3 बजे दिया घटना को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की बारीकी से हकीकत जानी और संदेही आरोपी की तलाश करते हुए पुलिस पार्टियां रवाना की। पुलिस का कहना है कि संदेही की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा मामले का खुलासा। सर बताएं सर, ये क्या घटना, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस क्या इस मामले को बांट रही है? दरमियानी रात सूरी रैकवार और काशीराम रैकवार अपने बटाई के खेत पर मूंगफली की रक्षा कर रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने रात के 2-3 बजे के आसपास धारदार हथियार से दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी है। प्रकरण मर्ग कायम कर लिया गया है, अभी PM हो रहा है और इस पर धारा 302 का अपराध दर्ज किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी संदेही है उसकी धरपकड़ के लिए 2 टीमें हमने रवाना कर दी है। बहुत जल्द इसमें प्रकरण का खुलासा होगा और निराकरण किया जाएगा। सर बताया जा रहा है कि तीसरे व्यक्ति की भी हत्या करने के फिराक में था जो आरोपी है। वो तीसरा व्यक्ति बता रहा है कि उसके पास आया है कि तुम किसी को मत बताओ, बताओगे तो तुम्हारे भी यही हाल होगा। तो उसने जो बताया उस व्यक्ति को हम पकड़ लें, उसके बाद पता चलेगा कि क्यों, क्या कारण थे, किस कारण इधर। अब तक कुछ बात निकल कर सामने आ पाएगी? अभी तो विशेष कोई बात नहीं है, जैसे ही आरोपी मिलेगा तो उसके बाद पूरा सामने आएगा। अच्छा, ये लोग कहाँ थे हत्या के समय? ये लोग अपने खेत में थे, खेत में खुले में एक महुआ के पेड़ के नीचे सो रहे थे, एक खुले पे चारपाई में सो रहे थे, तो उसी दौरान सोते में ये घटना हुई। दोनों की दूरी लगभग क्या हुई? 100 मीटर की दूरी में है दोनों के खेत। आरोपी फरार है फिलहाल? अभी हाँ, आरोपी फरार है, उसको 2 टीमें रवाना की हैं, बहुत जल्द उसको हिरासत में लिया जाएगा। दरअसल यह पूरा मामला प्रतिपुर थाने के लडवारी गांव खास का है, जहां गांव के 2 किसान काशीराम रैकवार व सूरी रैकवार अपने बटाई के खेत पर मूंगफली की रखवाली कर रहे थे कि रात करीब 2 से 3 बजे के बीच उक्त दोनों किसानों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हरगोविंद, क्या ये घटना हुई है, कैसे आपके साथ भी कुछ घटना होने वाली थी? कि हम लोग हमन पहले सो रहे थे, हमन आए जी कह देंगे पानी पीने में चले, हमने कि पानी जो रखो पी लो, पानी पी के जो है चला गया। फिर आप बाद में हम सुबह इनने पिछाई से हमारे किसी पकाया, किसी पकाया गया हमने तुम्हारे इनमें लाद हम सीधे टेरो, हमने दोनों इनको कौन ऊँचा नहीं था, हमें तो हम भाग गए थे। कौन कौन था, किसने मारा है? शिवदयाल। अच्छा, क्यों कुछ पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी रंजिश थी क्या? कुछ कुछ नहीं, ये नहीं बता सकते। मैं भी मानना चाहता था, क्या बोला तुमसे? हमसे ये बोला गया देखो दुख होता हम काट मार डालूंगा, उन्होंने लात मारी है, हम भाग गए। कितने बजे की समथिंग की घटना है? क्या है 2:30-3 के बीच में। वहीं पास के ही एक खेत पर सो रहे एक युवा किसान हरगोविंद का कहना है कि देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच गांव का शिवदयाल उसके खेत पर आया और पीने के पानी के लिए मांगा। मैंने उसे कहा वहां रखा है पानी पी लो, पानी पीने के बाद वह चला गया। कुछ देर बाद शिवदयाल पुनः आया और मेरी गर्दन दबाने का प्रयास किया। मैंने जैसे ही उसे लात मारी तो वह दो को तो मैं काट डालूंगा, तुझे नहीं छोड़ेंगे। हरगोविंद ने पड़ोस में सो रहे काशीराम रैकवार व सूरी रैकवार को चिल्लाकर आवाज दी, लेकिन वहां से जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने गांव की ओर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं एक और जहां प्रतिपुर के 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन तक जी जान से क्षेत्र में जुटे हैं, तो वहीं एक साथ 2 कत्ल पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल उठा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि हत्या का मामला दर्ज पर संदेही की तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए पुलिस टीमें गठित कर दी हैं, अलग अलग स्थानों के लिए रवाना कर दी गई हैं। संदेही की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का खुलासा किया जा सकेगा। रिपोर्टर संतोष कुशवाहा, न्यूज़ लाइव 18।